पूरी धरती में 71% पानी और 29% स्थल भाग है। समंदर वाला भाग इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी विशालकाय समंदर के अंदर हजारों रहस्य हैं, जिनके बारे में हमें पूरी तरह पता भी नहीं है। इन्हीं सभी रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक जहाज को लेकर हमेशा से यही कहा जाता था कि वह कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी वह डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को यह विशालकाय जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। आखिर ये जहाज समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया, चलिए जानते हैं विस्तार से। टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलर्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिरकार टाइटैनिक कहां और किस हाल में है। टाइटैनिक जहाज समुद्री तल से 13,000 फीट की गहराई में था। टाइटैनिक जहाज में मौजूद 1912 की कीमती वस्तुएं, जैसे कि सोने चांदी के हीरे जेवरात, पुरानी शराब की बोतलें और बेशकीमती वस्तुएं, सभी को जहाज से निकाल लिया गया। अब बात आती है टाइटैनिक जहाज को 13,000 फीट की गहराई से निकालने की। तो टाइटैनिक जहाज की दशा 73 साल समुद्र के अंदर रहने की वजह से बहुत खराब हो गई थी। जहाज को जीवाणु ने पूरा खोखला कर दिया था। ऐसे में किसी लोहे की चैन के माध्यम से इसे ऊपरी सतह पर खींचने से टाइटैनिक जहाज पानी के दबाव के कारण पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा, इसलिए यह रास्ता सही नहीं था। इसके बाद एक से बढ़कर एक समुद्री वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग दौड़ाया और टाइटैनिक जहाज को 13,000 फीट की गहराई से बिना किसी क्षति के कैसे निकाले, इसके बारे में विचार विमर्श करने लगे। सबसे पहला तरीका वैज्ञानिकों के दिमाग में पनडुब्बी और चुंबक की मदद से टाइटैनिक जहाज को ऊपरी सतह तक खींचने का आया, मगर यह जितना सुनने में आसान था उससे कहीं ज्यादा इसे उपयोग में लाना मुश्किल था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का कुल वजन 1.43 लाख टन था और 13,000 फीट की गहराई में भी था, जिसकी वजह से इसका कुल वजन दो गुना बढ़ चुका था। इतनी गहराई में सिर्फ 1 square centimeter को निकालने में ही 392 न्यूटन का बल चाहिए था। उस वक्त के दौर में इतने शक्तिशाली ना तो पनडुब्बी हुआ करते थे और ना ही इतनी शक्तिशाली चुंबकें हुआ करती थी, इसलिए उस वक्त के दौर में इस मिशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। मगर वैज्ञानिक कहां हार मानने वाले थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटैनिक जहाज के अंदर पिंग पोंग गेंद पूरी तरह से भर दिया जाए, जिसके बाद टाइटैनिक जहाज समुद्री तल पर अपने आप पिंग पोंग गेंद की मदद से ऊपर आ जाएगा। मगर यह मिशन फेल हो गया, क्योंकि 13,000 फीट की गहराई में पिंग पोंग गेंद पानी के दबाव के कारण फट जा रही थी। इसके बाद फिर एक समय के लिए हीलियम बलून के इस्तेमाल के बारे में सोचा गया, मगर पानी की इतनी गहराई में उसे पंप करना लगभग नामुमकिन था और यह मिशन बंद करना पड़ा। इसके बाद एक समुद्री वैज्ञानिक आर्थर हिकी ने यह भी सुझाव दिया कि क्यों ना टाइटैनिक जहाज को एक बर्फ के ढांचे में तब्दील कर दें, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व के मुकाबले हल्का होता है, इसी वजह से बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। यह सुझाव सुनकर एक समय के लिए काफी अच्छा लगा, मगर जैसे ही इसके ऊपर किए गए खर्च के बारे में सोचा गया तब सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पानी को एक बर्फ में बदलने के लिए बहुत सारी तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। करीब 5 लाख टन तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता टाइटैनिक जहाज को एक बर्फ के रूप में बदलने के लिए चाहिए था, और कोई भी कंपनी इस सुझाव के लिए तैयार नहीं था, और आखिर में इसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद और भी बहुत सारे नए नए सुझाव वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, मगर आखिर में यह एक प्रश्न सभी प्राइवेट कंपनियों के सामने और सभी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है कि आखिर में क्यों टाइटैनिक जहाज को समुद्र की गहराइयों से निकाला जाए, क्योंकि टाइटैनिक जहाज पर जितने भी बेशकीमती और सोने चांदी के आभूषण थे उन्हें तो पहले ही निकाल लिया गया है। अब सिर्फ टाइटैनिक जहाज का मलबा ही समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है, वह भी बहुत ही बुरी स्थिति में है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी टाइटैनिक जहाज को निकालने के बाद किसी म्यूजियम में रखती है तो टाइटैनिक जहाज के निकालने पर किए गए खर्च को वापस हासिल करने में 100 सालों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। इसी वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा जोखिम लेना नहीं चाहती है, इसलिए आज भी टाइटैनिक जहाज पानी की गहराइयों में पड़ा हुआ है। शायद भविष्य में भी इसी तरह से पानी में ही रहेगा जब तक कि जीवाणु इसे पूरी तरह से खत्म ना कर दे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है।
ऐसे में उसे बाहर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़कर रहने के लिए